छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस बाघ नख से धोखेबाज अफसल खान को मारा था वो लंदन से भारत वापस आ चुका है। महाराष्ट्र के सतारा जिले के छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम में आज 19 जुलाई से इसे डिस्प्ले किया जाएगा। आज भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बाघ नख का इतिहास क्या है और ये लंदन कैसे पहुँचा था। सतारा के प्रतापगढ़ में 10 नवंबर 1659 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर के आदिल शाही हुकूमत के योद्धा अफजल खान को इसी बाघनक से मारा था। ये वो दौर था जब भारत के पश्चिमी भाग में 3 इस्लामी सल्तनत थी, अहमदनगर में निजाम शाही, बीजापुर में आदिल शाही और गोलकुंडा में कुतुब शाही। आदिल शाह की उम्र उस वक्त कम थी, इसलिए उनकी सौतेली माँ बड़ी बेगम साहिबा काम का संभाला करती थी, जो शिवाजी महाराज से नफरत करती थी। एक दिन दरबार में उन्होंने खास लोगों को बुलाया और तस्तरी में पान का बीड़ा रखा और कहा कि अगर किसी में शिवाजी को खत्म करने की हिम्मत है तभी ये बीड़ा उठाए। तभी बड़ी कद काठी वाला उनकी सेना का सिपाही अफजल खान सामने आया। इतिहासकारों के मुताबिक लंबी बातचीत के बाद शिवाजी और अफजल खान के बीच 10 नवंबर 1659 को मुलाकात तय हुई। लेखक कवित्र परमानंद अपनी किताब श्री शिव भारत में लिखते हैं, उस दिन शिवाजी ने सफेद रंग का जामा पहन रखा था, मुकुट के नीचे एक लोहे की टोपी छिपी हुई थी, उनके पास एक तेज कटार बिछवा थी जो दाहिने आस्तीन में छिपा रखी थी, बाएं हाथ में बाघ नख पहन रखा था। अफजल खान शिवाजी के महल में तो सिर्फ 2 सैनिकों के साथ पहुंचा था, लेकिन बाहर कुछ दूर बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को उसने हमले के लिए तैयार रहने को कहा था। महल पहुंचते ही अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैलाई। जैसे ही दोनों गले मिले शिवाजी अचानक परेशान हो गए, क्योंकि अफजल खान ने उनके गले को अपनी बाहों में जकड़ लिया था और कटार से उन पर हमला कर दिया था, लेकिन शिवाजी ने अपने बाएं हाथ में पहने हुए बाघ नख को अफजल खान के पेट में घुसा दिया था और अपने दाएं हाथ में बिछवे से अफजल पर हमला किया। हमले के बाद अफजल खान चिल्ला पड़ा और सैनिकों को शिवाजी को मारने का आदेश दिया। घायल अफजल को उनके सैनिक पालकी में बिठाकर भागने लगे। शिवाजी और उनके सैनिकों ने उनका पीछा किया। पहले उन्होंने पालकी उठाने वाले के पैर काटे और फिर उसमें सवार अफजल खान को मार डाला। बाघ नख एक खास तरह का हथियार है। स्टील और धातु से बने इस हथियार में 4 नुकीली छड़े होती हैं, जो किसी बाघ के पंजे जैसी घातक और नुकीली होती है। ये इतना घातक होता है कि इससे एक बार में किसी की मौत हो सकती है। अब समझते हैं कि शिवाजी का ये हथियार भारत से ब्रिटेन कैसे गया। साल 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेजी अधिकारी जेम्स ग्रांट डफ को सतारा कोर्ट में रेजिडेंट राजनीतिक एजेंट बनाकर भेजा था। तब उन्हें बाघ नख उपहार में दिया गया था। 1824 को जेम्स ग्रांट डफ ब्रिटेन वापस लौटे तो वो अपने साथ इस बाघ नख को भी ले गए थे। उनके वंशजों ने इसे विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम को दान कर दिया था। महाराष्ट्र के संस्कृति मामलों के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के मुताबिक शिवाजी के इस हथियार को वापस लाने के लिए करीब 14 लाख रुपए का खर्च आया है। इसे वापस लाने के लिए लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम के अधिकारियों से सफल बातचीत की गई थी, जिसके बाद लंदन के म्यूजियम ने बाघ नख को 3 साल के लिए भारत को सौंप दिया है। शिवाजी के इस खास हथियार को बुलेट प्रूफ ग्लास में रखा गया है और इसके लिए खास व्यवस्था भी कड़ी की गई है। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए। आज भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के खास हथियार बाघ नख का इतिहास क्या है और इसे वापस भारत लाने का प्रोसेस क्या होगा। महाराजा राजा शिव छत्रपति इंग्लैंड से इसे वापस लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के दौरे पर जाएगा। इसके लिए एक बजट भी डिसाइड किया गया है। साल 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सतारा कोर्ट में रेजिडेंट राजनीतिक एजेंट के तौर पर अंग्रेज अधिकारी जेम्स ग्रांट डफ को भेजा था, जिन्हें ये बाघ नख उपहार में दिया गया था, जो साल 1824 में अपने साथ इसे इंग्लैंड ले आए थे। कुछ वक्त बाद इनके वंशजों ने इसे विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम को सौंप दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा यह हथियार इतना खास क्यों है और इसे 10 नवंबर को ही भारत लाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है। असल में सतारा के प्रतापगढ़ किले में 10 नवंबर 1659 को ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर की आदिल शाही हुकूमत के योद्धा अफजल खान को इसी बाघ नख से मारा था। ये वो दौर था जब 17वीं सदी में भारत के पश्चिमी भाग में 3 इस्लामी सल्तनतें थीं, अहमदनगर में निजामी शाही, बीजापुर में आदिल शाही और गोलकुंडा में कुतुब शाही हुआ करती थी।
आदिल शाह की उम्र उस वक्त कम थी, इसलिए सल्तनत का काम उनकी सौतेली माँ बड़ी बेगम साहिबा संभालती थी, जो शिवाजी से बड़ी नफरत करती थी। एक दिन दरबार में उन्होंने खास लोगों को बुलाया और तश्तरी में पान का बीड़ा रखा और कहा, किसी में अगर शिवाजी को खत्म करने की हिम्मत हो तो वो ये बीड़ा उठाए। तभी बड़ी कदकाठी वाला उनकी सेना का सिपाही अफजल खान आगे आया। इतिहासकारों के अनुसार दोनों के बीच लंबी बातचीत के बाद 10 नवंबर को मुलाकात तय हुई। अफजल अपने 2-3 सैनिकों के साथ शिवाजी महाराज से मिलने आया। आते ही उसने शिवाजी को गले लगाकर अपनी बाजुओं में दबाकर कटार से हमला कर दिया, लेकिन शिवाजी ने अपने बाएं हाथ में पहने हुए बाघ नख को उसके पेट में घुसा दिया और अपने दाहिने हाथ से उन्होंने अफजल पर बिछुए से हमला कर अफजल खान और उसके साथियों को मार डाला। एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी भी कलाकृति को वापस लाने के लिए 2 प्रोसेस होती हैं। पहली कानूनी प्रक्रिया, जो लंबे वक्त तक चलती है, और दूसरी कूटनीतिक प्रक्रिया। भारत का दबदबा दुनिया भर में बढ़ रहा है, तो आपसी बातचीत के जरिए इसे वापस लाया जा सकता है। लोगों को उम्मीद है कि छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा यह हथियार जल्द ही भारत आ जाएगा। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक।